नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं। मैं पिछले 21 वर्षों से इस बकरी पालन या गोट फार्मिंग की इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं और मैं सफलतापूर्वक इस काम को कर रहा हूं। हमें गोट फार्मिंग क्यों करना चाहिए? वाई गोट फार्मिंग? गोट फार्मिंग एक उभरता हुआ व्यवसाय है। इंडिया में गोट फार्मिंग अब एक नई ग्रोइंग इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। मीट के प्राइजेज रेगुलर बढ़ती जा रही है और उसको देखते हुए हमें बकरी पालन जो है एक लाभदायक बिजनेस के रूप में लोग देख रहे हैं और इसलिए इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेयरी फार्मिंग में टाइम बाउंड बिजनेस है, दूध निकालने की मिल्किंग टाइमिंग का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें इस तरह के टाइमिंग की कोई परेशानी नहीं है और आप 5 बकरी से लेकर 5,000 बकरी तक भी फार्मिंग कर सकते हैं। जिस तरह का आपका इच्छा हो आप उस तरीके से छोटे यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट कर सकते हैं। मीट प्राइजेस रेगुलर बढ़ती जा रही है। आप लोग देखते होंगे कि अभी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी में बकरी का दूध बहुत अच्छी कीमत में बिक जाता है। वो भी एक सुनहरा अवसर है। दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों ने काफ़ी समय बकरियां रखकर बकरियों का दूध बेचकर भी पैसे कमाए हैं। तो आने वाले समय में मिल्क और मीट ये दो एसेंशियल ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित ही आपको पैसा देंगी और पूरी तरह बुनियादी चीज़ें हैं। किसी भी समय इसका मार्केट कभी कम नहीं हो सकता है। मीट इंडस्ट्री में मीट ही एकमात्र ऐसी कम्योडिटी है जिसका आज तक कभी एक दिन के लिए भी भाव कम नहीं हुआ और ये दोनों रेगुलर हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जबकि हमें एक बेसिक नीड है। तो कभी भी गोट फार्मिंग आप शुरू करें तो आप में इसमें घाटे का व्यवसाय नहीं है, निश्चित ही ये लाभ का व्यवसाय है। गोट फार्मिंग बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस है, धीरे धीरे ये अब एक कमर्शियल वे में जाता जा रहा है। पहले ये मूलतः गरीब और खेतिहर मजदूरों के द्वारा ही किया जा सकता है लेकिन अब इसको प्रोफेशनली लोग करने लगे हैं। अच्छे अच्छे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पैक्ड मीट की इंडस्ट्रियाँ कहीं इसमें आ गई हैं। मीट की क्वालिटी को लेकर भी बहुत नाम जा रहे हैं। पैक्ड मीट की दुनिया इंडिया में कभी नहीं चलती थी लेकिन आजकल वो भी चल रही है। दूध का आप लोगों ने सुना है और देखा ही है। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री अलग तरीके से चेंज हो रही है और निश्चित ही इसमें एक अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो जो लोग इसमें आएंगे वो निश्चित ही इसमें लाभ कमाएंगे। अगर हम इस व्यवसाय में देखते हैं तो बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप मीट के लिए करें या आप मिल्क के लिए के या फिर आप एक ब्रीडिंग फार्म लगा सकते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज ब्रीडिंग फार्म्स लगभग नहीं के बराबर है। अगर आप ऑर्गेनाइज ब्रीडिंग फार्म गुड ब्रीड्स के फार्म्स लगाते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा लाभ कमाएंगे और इसमें एक बकरी से आप 3 से 5 हज़ार रुपये लेकर 5 से 25 हज़ार रुपये तक भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी ब्रीड रखते हैं, कैसी क्वालिटी रखते हैं, क्या ग्रोथ मिलती है आपको और क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोट फार्मिंग के सेटअप की। अगर हम गोट फार्म का एक सेटअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए जो है वो एक शेड है। शेड बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है लेकिन आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। एक्सपेंसिव भी बना सकते हैं, आप उसको लोअर एक्सपेंसिव भी बना सकते हैं, बहुत लीस्ट कॉस्ट में भी बनाइए। आप जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है लोकल में उसके हिसाब से बनाइए। आजकल कई तरह के शेड्स का चलन है, एलिवेटेड फ्लोर्स के शेड्स हैं, उनकी कास्टिंग कुछ ज़्यादा आती है। पर आप जो भी शेड बनाएं लगभग बकरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए। अगर बकरी की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एक बकरी के लिए हमें 10 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत है और 20 स्क्वायर फीट उसके घूमने के लिए। लगभग 30 स्क्वायर फीट पर गोट की हमें रिक्वायरमेंट है जिसमें उसके रहने के लिए बाड़ा जो है वो 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से डिजाइन करें। या हम एक अमूमन मान के चलें कि अगर हम 100 बकरी का एक शेड लगाना चाहते हैं तो हमें लगभग 1,000 स्क्वायर फीट के शेड की आवश्यकता होगी और 2,000 स्क्वायर फीट के घूमने की बाड़ी की आवश्यकता होगी। तो 3,000 स्क्वायर फीट में आप बना सकते हैं। अगर आप लोअर प्रोफाइल में बनाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में ये शेड बन जाएगा। तो अगर आप एलिवेटेड फ्लोर पे जाते हैं तो ये करीब 6 से 8 लाख रुपए के बीच में आपको बनेगा। आप उसमें पूरी व्यवस्थाएं रखिए, पानी के लिए व्यवस्थाएं रखिए, खिलाने की पूरी व्यवस्थाएं रखिए। ये सारी चीज़ें आप हमारे स्ट्रक्चर में पूरे डिज़ाइन और वीडियोज़ के साथ देखेंगे कि आपको किस तरह का शेड बनाना चाहिए। तो शेड बनाने के बाद फिर दूसरी बात आती है गोट्स की, गोट्स परचेज की। तो इसके लिए आप यहाँ रखें कि आप किसी ऑर्गेनाइज प्लेटफार्म से एनिमल्स खरीदें, किसी अच्छे फार्म से लें जहां आपको वैक्सीनेटेड गोट्स मिले और उनकी कीमतों में काफ़ी अंतर है, ब्रीड वाइज अंतर है। कुछ ब्रीड्स की गोट्स जो है काफ़ी महंगी है, कुछ ब्रीड्स की सस्ती है। अगर आप लोकल मंडी से लेते हैं तो गोट्स सस्ती हैं। तो आपको किस तरह की चीज़ें खरीदना चाहिए, कैसे गोट्स खरीदना चाहिए, प्रेगनेंट की क्या प्राइजेज है, नॉन प्रेगनेंट की क्या प्राइजेज, ये सारी चीज़ें आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म में सीखेंगे और उनकी क्या प्राइजेज होना चाहिए, वो मीट के कोरिलेट कैसे करती है, ये सब बातें आप इस हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। तो ये जो गोट की प्राइजेज हैं इनको आपको कैसे समझेंगे कि कैसे इनकी प्राइजेज कम या ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी कि क्या ओवरऑल ब्रीड के रेट चल रहे हैं,
क्या ब्रेड्स की वैल्यू है, उनका वेट कितना है, वो किस एज ग्रुप में है, ये सारी चीज़ें तय करने के बाद ही आप उसकी प्रॉपर कीमत का आकलन कर पाएंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेटफार्म से गोट परचेज करते हैं तो लगभग 10,000 के ऊपर ही आपको कोई गोट मिलेगी, और अगर आप लोकल मंडी से परचेज करते हैं और नॉन डिस्ट्रिक्ट गोट परचेज करते हैं तो करीब 5,000 से 6,000 रुपये में आपको गोट मिल सकती है, लेकिन ब्रीड का कोई भी एनिमल लगभग 10,000 से 12,000 के ऊपर ही आएगा। तो कास्टिंग को देखते हुए क्वालिटी एनिमल को ही प्रेफर करें और वैक्सीनेटेड एनिमल को लेना ही आपको प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों अगर हम गोट ब्रीड की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 30-32 प्रकार की नस्लें हैं। हमें उन नस्लों का चयन इस आधार पर करना चाहिए कि हम किस लिए बकरी पालन कर रहे हैं या हमारा मोटिव क्या है या पर्पस ऑफ फार्मिंग क्या है। अगर हम ब्रीड के लिए करना चाहते हैं तो बहुत सारी ब्रीड हैं। अगर हम मीट के लिए करना चाहते हैं तो मीट ओरिएंटेड ब्रीड्स के साथ करें। अगर हम मिल्क के लिए करना चाहते हैं तो जो गोट हमें ज़्यादा दूध उत्पादित करती है, मिल्क प्रोडक्शन जिनका ज़्यादा, हमें उसके साथ जाना चाहिए। अगर हम एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड में जाना चाहते हैं तो साउथ अफ्रीकन बोर अभी ब्रीड इंडिया में बहुत वायरल है कह सकते हैं और बहुत एक्सपेंसिव उसके एनिमल बिक रहे हैं। अगर हम ब्रीडिंग लाइन में मीट के साथ जाना चाहते हैं तो हमें इंडियन ब्रीड्स के साथ साउथ अफ्रीकन बोर क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए इंडियन ब्रीड्स का चयन करना है तो हम मीट के लिए छोटी ब्रीड्स पे जा सकते हैं। जैसे अगर हमें मीट के लिए गुड फार्मिंग करना है तो हम बरबरी में जाएं, हम ब्लैक बंगाल में जाएं। हमें उन नस्लों का चयन करना पड़ेगा कि जिनकी बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा है तो वह हमें मीट ओरिएंटेड प्रोडक्शन देगी। मीट के लिए हम सिरोही का भी पालन कर सकते हैं और सिरोही साउथ अफ्रीकन बोर के साथ क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा सूट करती है। इसके अलावा हमें अगर दूध के लिए पालना है तो हम जमुनापारी, जखराना, बीटल नस्ल का पालन कर सकते हैं, ये बड़ी नस्लें हैं। देखिए अगर आप मिल्क के लिए बकरी पालना चाहते हैं तो आपको ऐसी ब्रीड पे जाना पड़ेगा जिसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है या दूध देने की क्षमता के साथ साथ लंबा दुग्धकाल है, तो वो नस्लें आपको ज़्यादा दूध भी देंगी और बड़ी ब्रीड होने से मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। वो इतना दूध उत्पादित करती है कि उनके बच्चे के लिए भी उपयोगी होता है और साथ में आपको भी एडिशनल मिल्क मिल सकता है। तो आप लोग ड्यूल पर्पज ब्रीड्स में भी जा सकते हैं, जैसे सिरोही है, सोजत है, बीटल है, जखराना है, इन सारी नस्लों का कॉम्बिनेशन के साथ आप ब्रीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ नस्लें भौगोलिक क्षेत्र और मौसम के हिसाब से पालन की जाती है। किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक गर्मी है, किन्हीं क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक ठंडी है, वहाँ आपको उस तरह के ब्रीड का चयन करना पड़ेगा जहाँ उसकी अडॉप्टेबिलिटी प्रॉपर आ सके, तो ही आपको बकरी पालन में लाभ हो सकता है। नस्ल का चयन आपका इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट लगाकर किस तरह का इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसी नस्लों का चयन करें जिनका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरे हिसाब से सिरोही, सोजत, पीटल, बरबरी, ये नस्लें कुछ ऐसी हैं जिनकी ऑल इंडिया में डिमांड है। तो अगर आप इन नस्लों के साथ भी अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको उसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको सस्ती गोट लेना है तो आप ये कोशिश करें कि आपके क्षेत्र में कौन से अच्छी नस्ल की बकरी उपलब्ध है। जैसे अगर आप यूपी में हैं तो आप सिरोही अगर राजस्थान से लेके जाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, उसकी जगह आप वहाँ पे यूपी में जो उपलब्ध है, जो बरबरी हुई, जमुनापारी हुई, इन नस्लों पे जाएं। राजस्थान में अगर कोई करना चाहता है तो वो लोकल को प्रेफर करें और उसको सिरोही, सोजत, इस तरह की नस्लें वहाँ मिलती हैं। तो आप अपने आसपास में नेटिव में जो ब्रीड उपलब्ध है या लोकल एनिमल है उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का मेल रख के क्रॉस ब्रीड करके भी आप धीरे धीरे नस्ल का डेवलपमेंट कर सकते हैं और आपको उससे जो बच्चे मिलेंगे वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली भी बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, अगर आप एमएसएमई सेक्टर के किसी भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो जरूर हमारे इस चैनल को लाइक करें। बढ़ते हैं आगे। कमर्शियल गोट फार्मिंग एक ऐसा वेंचर है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आप छोटे लेवल पे भी इसको कर सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें मैनेजमेंट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप धीरे से स्टार्ट करके इसको जितना चाहे उतना बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हैं। गोट फार्मिंग अपने आप में एक नया बिजनेस है जो पूरी तरह पारंपरिक से कमर्शियल ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो लोग इस व्यवसाय में जल्दी एंटर करेंगे निश्चित रूप से वो इसका काफ़ी बेनिफिट लेंगे। मीट प्राइसेस रेगुलर बढ़ रही है, क्वालिटी मिल्क की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है और अब आप देख रहे हैं कि गोट मिल्क का भी धीरे धीरे एक अलग मार्केट बनता जा रहा है। गोट फार्मिंग में ईद के बकरों की डिमांड हमेशा रहती है। अगर आप ईद के लिए भी बकरे पालन करते हैं या ईद के बकरे भी तैयार करते हैं तो आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो
पैक्ड मीट की तरफ आ रही है, आप उनको भी अपना माल बेच सकते हैं। रेगुलर एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ आप इस गोट फार्मिंग में आ सकते हैं और इस बिजनेस में हर चीज बिक जाती है और हर चीज के बायर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है और इसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ट्रू ब्रीड के साथ लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप भी अगर इस बिजनेस में आएंगे तो निश्चित आप इसका एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। हम एक बिजनेस में क्या चाहते हैं कि जो कैश आधारित हो, इस धंधे में 100% कैश के साथ डीलिंग है या नगद व्यवहार है, कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है, ये जीरो मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आप चाहें तो आपके ऑन फार्म भी सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है और मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं, तो ये अनलिमिटेड स्कोप के साथ आपके पास उपलब्ध है। आप इसे एक बकरी से लेके 1,000 बकरी या 10,000 तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, हमारे 21 वर्षों के एक्सपीरियंस को आपके साथ मिलाकर हम इस गोट फार्मिंग में आपको अधिक से अधिक लाभ कमाने का एक अवसर देना चाहते हैं। निश्चित ही हमारा ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपको इसका बहुत लाभ होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और ये आपके लिए आपके व्यवसाय में उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर rocketskill.in पर जाएं। वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ये कोर्स परचेज करेंगे और गोट फार्मिंग का पूरा नॉलेज लेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की मुलाकात इतनी ही। आशा करता हूँ कि आपसे अगली मुलाकात लाइव क्लासेस में होगी और निश्चित ही मैं आप लोगों की सारी समस्याओं का, बकरी पालन से जुड़ी हर चीज़ का, आपसे अपने इतने वर्षों के अनुभव के साथ आपकी हर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।